नमस्कार प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 का अध्याय 14 जल। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह जानना है कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, जल चक्र क्या है, सूखा व बाढ़ कैसे आते हैं तथा जल संरक्षण की आवश्यकता व विधियां। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 14 जल। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको प्यास क्यों लगती है? बताइए, यदि पानी न मिले तो क्या होगा? अब इसका आंसर सुनिए। हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है। हमारी सभी प्रक्रियाएं जैसे भोजन का पाचन, अवशोषण, निष्कासन और अन्य जितनी भी हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं वो रक्त के द्वारा होती हैं, और रक्त किससे मिलकर बना है? पानी से। इसलिए शरीर में पानी की कमी होते ही हमें प्यास लगनी शुरू हो जाती है और हमें पानी पीने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जो हमारे बहुत से घरेलू कार्य हैं, जैसे नहाना, सफाई, कपड़े धोना और बर्तन साफ करना, सभी प्रकार के घरेलू कार्य, ये सभी पानी से ही होते हैं। उद्योग धंधों में जो फैक्ट्रियां हैं वो भी पानी से ही कार्य करती हैं। तो देखा आपने, पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि जल है तो जीवन है। अब लेते हैं पानी की विभिन्न अवस्थाएं। पानी हमें किन किन रूपों में नजर आता है? तो जो पानी आप पीते हैं वो कैसा है? बहने वाला। और जो पदार्थ बह सकते हैं, चल सकते हैं, उन्हें कहते हैं द्रव पदार्थ। तो पानी की पहली जो अवस्था है वह तरल अथवा द्रव अवस्था है, जिसे हम पानी बोलते हैं। दूसरी अवस्था, आपने फ्रीजर में जब पानी रखा है तो क्या निकालते हैं उसके अंदर से? बताइए बताइए, बर्फ। जी हाँ, तो पानी ही था जो किसमें बदल गया? बर्फ में। तो पानी की दूसरी अवस्था कौन सी हुई? बर्फ। पानी का दूसरा रूप बर्फ। अब तीसरे रूप की बारी आती है। कभी आकाश में बादल देखे हैं? सोचो, वो बादल कहाँ से आए? वो बादल भी हमारी पानी की तीसरी अवस्था है, जो भाप के रूप में ऊपर आकाश में इकट्ठी हो जाती है और हमें बादल नजर आते हैं। तो पानी की कितनी अवस्थाएं हुई? पहली ठोस अवस्था, जिसे बर्फ कहते हैं, दूसरी द्रव अवस्था या तरल अवस्था, जिसे आप पानी कहते हैं, तीसरी वाष्प, जिसे बादल के रूप में देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी जल के तीनों रूप या जल की तीन अवस्थाएं। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, बताइए जरा आप। अब आप कहेंगे कि हमें पानी टैप से मिलता है, बिल्कुल सही कहा। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पानी कुएं से लेकर आते हैं, वे भी सही हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम पानी हैंडपंप से निकालते हैं, वे भी अपनी जगह सही हैं। तो भला टैप में, कुएं में और हैंडपंप में पानी कहाँ से आ रहा है, जरा सोचो।
पानी धरती के नीचे से निकाला जा रहा है। पानी हमारी पृथ्वी के नीचे भंडार के रूप में संग्रहित है और इन जल के भंडारों को भौम जल कहा जाता है। तो ये पहला स्रोत है जो हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भौम जल से। दूसरा, नदियां, तालाब, झील, झरने, पोखर, नहरें, ये सब भी पानी के स्रोत हैं, इनसे भी हमें पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा आपने हिमालय पर्वत की फोटो देखी होगी, उसके ऊपर चोटियां जो हैं वो सफेद रंग की दर्शाई जाती हैं, तो वो सफेद रंग क्या है? बर्फ। इन बर्फ से ढके पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ अथवा ग्लेशियर भी जल के स्रोत हैं। इसके अलावा समुद्र, बहुत लंबा चौड़ा असीमित पानी का भंडार, लेकिन समुद्र का पानी इतना अधिक खारा होता है कि उसको पिया नहीं जा सकता, परंतु जल के स्रोत तो हैं ही। तो अब जल के स्रोत कौन-कौन से हुए? भौम जल, नदियां, तालाबें, झीलें, झरने, समुद्र और ग्लेशियर। आइए अब समझते हैं कि जल की ये तीनों अवस्थाएं कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं तथा जल चक्र क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बादल कैसे बनते हैं। देखिए चित्र में समुद्र का पानी वाष्प बनकर, भाप बनकर वायुमंडल में जा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पानी के खुले स्रोत हैं, जैसे नदियां, झील, तालाब, नहर, पोखर अथवा नाले या घरेलू कार्यों से निकला हुआ नालियों में पानी, ये सभी पानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर निरंतर वायुमंडल में पहुंचता रहता है। वाष्प बनने की ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, अर्थात जल अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आप कपड़े धोकर सुखाते हैं तो ये बताइए कि वो कपड़ों का पानी कहाँ जाता है? सोचिए। जी हाँ, आपके कपड़े कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि वो पानी भी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। इसी प्रकार जितनी भी गतिविधियां हैं जो पानी से सूर्य की गर्मी में हो रही हैं, वहां निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है और वायुमंडल में लगातार वाष्प पहुंचते रहते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है, तो वाष्प जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, वायु उतनी ही ठंडी होती जाएगी, तापमान उतना ही कम होता जाएगा और यह तापमान एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इतना कम हो जाता है कि इसमें उपस्थित जो जल वाष्प है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठे होने को संघनन कहा जाता है। संघनन बहुत सारे जो ड्रॉप्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, अर्थात संघनित हो जाती हैं, और ये जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों का निर्माण करते हैं जिन्हें जल कणिका कहते हैं। ये जल कणिकाएं ही वायु में तैरती हैं
जिन्हें आप बादल कहते हैं। तो पता चला बादल का जन्म कैसे हुआ, छोटी छोटी जल कणिकाओं ने मिलकर बादल को जन्म दिया। तो इस प्रकार बादल बने। अब आते हैं बादलों से वर्षा कैसे होती है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल कणिकाएं जुड़ती चली जाती हैं, इकट्ठी होती चली जाती हैं और ये इतनी भारी हो जाती हैं कि वायुमंडल में इनका रह पाना मुश्किल हो जाता है। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं तो वे नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। यदि तापमान बहुत अधिक ठंडा है, कम है, तो यही बूंदें जमकर या ये कहिए और अधिक संघनित होकर ओलों अथवा बर्फ का रूप धारण करती हैं, जो पृथ्वी पर हिमवृष्टि या ओलावृष्टि के रूप में गिरती हैं। आपने कभी ओलों का स्वाद चखा है? क्या गिरते देखे हैं ओले? कैसे लगते हैं? इस प्रकार जो जल वाष्प बनकर उड़ रहा था, वो पहले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में पहुंचा, बादलों के रूप में पहुंचा, बादलों से और अधिक संघनित होकर वह वाष्प अवस्था से ठोस अवस्था में अथवा द्रव अवस्था या वर्षा और हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गिरा। पृथ्वी से जाने वाला जल वायुमंडल से होकर वापस पृथ्वी पर किस किस रूप में गिर रहा है? वर्षा के रूप में, हिम के रूप में या ओलों के रूप में। और यही पानी इस प्रकार से धरती से वायुमंडल, वायुमंडल से वापस धरती पर घूमता रहता है। यही चक्र वर्षा चक्र या जल चक्र कहलाता है। आइए बच्चों, अब समझते हैं कि वर्षा क्यों आवश्यक है और यदि अधिक वर्षा हो तो उससे क्या-क्या हानियां हो सकती हैं। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून में जुलाई से सितंबर तक के महीनों में होती है। उस समय गर्मी से प्रत्येक सजीव, क्या पेड़, क्या पशु पक्षी और क्या मनुष्य, सभी गर्मी से व्याकुल रहते हैं। साथ ही अपने भारत जैसे कृषि प्रधान देश की फसलें भी मानसून के द्वारा ही तय होती हैं। इसलिए वर्षा आवश्यक है। यदि किसी स्थान पर एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो वहां सूखा पड़ जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर लगातार चलती रहती है। साथ ही पौधे भी अपनी पत्तियों से लगातार जल की क्षति करते रहते हैं। इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस अवस्था में जब भूमि से पानी लगातार वायुमंडल में वाष्प बनकर जा रहा है और हम लगातार भौम जल का दोहन कर रहे हैं तथा वर्षा के रूप में जल वापस नहीं आ रहा है, तो जरा सोचिए इसका क्या परिणाम होगा भला? जी हाँ, क्या परिणाम होगा कि पृथ्वी का भौम जल स्तर कम होता जाएगा। ऐसी अवस्था में तालाब, कुएं आदि तक सूख जाते हैं। इस स्थिति को सूखा कहते हैं या अकाल कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में जब पीने के लिए पानी भी न हो तो भला पशु पक्षी और फसल कैसे जीवित रह पाएंगे। आइए अब दूसरी स्थिति पर चलते हैं कि कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, कई सेंटीमीटर तक बारिश हो गई है। इस अवस्था में वर्षा बहुत अधिक समस्या उत्पन्न कर सकती है। भारी वर्षा से
नदियों, झीलों, तालाबों में जल स्तर बढ़ जाता है और यह बाढ़ का एक कारण बन जाता है। बाढ़ का यह पानी खेतों, वनों, गांवों व शहरों सबको जलमग्न कर देता है। इस प्रकार बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार हानि होती है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस वर्ष बिहार में, महाराष्ट्र में व आंध्र प्रदेश में किस प्रकार बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। अंत में हम यह समझते हैं कि जल संरक्षण क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसकी कौन-कौन सी विधियां हैं। जल स्रोतों के बारे में आपने जब पढ़ा था तो यह जान गए थे कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की 75% मात्रा का केवल एक छोटा सा भाग यानी 3% से भी कम पानी हमारे पीने के योग्य है। पृथ्वी पर जल की मात्रा समान रहती है, तो अब आप सोचिए कि 3% जल की मात्रा है और जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग बढ़ती जा रही है। हम लगातार भूमि से ज्यादा पानी खींच रहे हैं, तो भला इसका क्या परिणाम होगा? जी हाँ, पानी की भारी कमी। फोटो को देखिए, पानी के लिए कितनी मारामारी हो रही है। लाइनों में लोग पानी के लिए खड़े हैं, तो यह आवश्यक है कि हम जल का उपयोग बहुत समझदारी से करें, यही जल संरक्षण कहलाता है। अब पॉइंट है कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, एक विद्यार्थी होने के नाते आप अपने घर से इसकी शुरुआत करें। अपने घरों में जल से होने वाले दैनिक कार्यों में जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना पकाना इत्यादि उतना ही पानी लें जितनी आवश्यकता हो। कभी भी घर में कोई टैप खुली न छोड़ें। हो सके तो कपड़ों और आरओ के पानी का रीयूज करें। साथ ही अपने अभिभावकों और पड़ोसियों को भी समझाएं कि वे जल का सदुपयोग करें। अपने घर पर वर्षा जल संग्रहण की तकनीक का इस्तेमाल करें, जिससे भौम जल स्तर को समान रखा जा सके। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने स्कूलों में जल संरक्षण मुहिम चलाई थी, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को सचेत करना तथा जल संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी देना था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जल और जल संरक्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है। धन्यवाद।